आरोग्य जागृति। कोरोना वायरस का प्रकोप अभी खत्म भी नहीं हुआ, मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा एक स्तर पर भी नहीं पहुंचा। कोरोना से जंग हार चुके मरीजों के घर में मौत का मातम शांत भी नहीं हुआ कि एक दूसरी बीमारी ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। म्यूकर माइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगल्स भी कहा जाता है, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा के बाद अब ये बीमारी महाराष्ट्र को भी अपने चपेट में ले चुकी है। म्यूकर माइकोसिस नाम की ये बीमारी इतनी गंभीर है कि सीधे मरीज को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। इसकी वजह से कई लोगों की जान तक गई है। इस बीमारी के लक्षण हैं चेहरे पे एक तरफ सूजन, सिर दर्द, साइनस की दिक्कत, नाक के ऊपरी हिस्से पर काले घाव जो जल्द ही गंभीर हो जाते हैं, और तेज बुखार होता है, खांसी, सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होती है। वही स्किन पर इन्फेक्शन होने से फुंसी या छाले पड़ जाते हैं। कुछ मरीजों को तो आँखों में दर्द, धुंधला दिखाई देना, पेट दर्द, उल्टी या मछली भी महसूस होती है। इनमें से कोई भी लक्षण आपको नजर आते हैं तो कृपया जल्द किसी डॉक्टर की सलाह जरूर ले। दोस्तों, ये बीमारी 25 से 30 साल के नौजवानों को भी अपने चपेट में ले रही है, यही बता रहे हैं डॉक्टर रमेश रोहिवाल जी। डॉक्टर रोहिवाल जी शहर के जाने माने सीनियर ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। फिलहाल वे औरंगाबाद के ईएनटी हॉस्पिटल एंड वर्टिगो क्लिनिक में अपनी सेवा दे रहे हैं। आइए म्यूकर माइकोसिस पे अधिक जानकारी लेते हैं डॉक्टर रमेश रोहिवाल जी से। दर्शकों, कोरोना की वजह से पोस्ट कोविड पे जो तकलीफें होती है, जो फंगल इन्फेक्शन आज जो सभी तरफ चर्चे का विषय बन गया है, इसी के ऊपर हम डॉक्टर रमेश रोहिवाल सर से बात करेंगे। हम उन्हीं से जानेंगे फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। म्यूकर माइकोसिस या काली बुरशी, ये जो आजकल चर्चा का विषय है, ये बीमारी कोई नया नहीं है। ये बीमारी इसके पहले भी था, लेकिन हम लोग कान नाक गले के डॉक्टर पूरे साल भर में 4 या 5 मरीज देखने के, जिनके हम ऑपरेशन करने के। वो मरीज कौन होते थे? वो जिनको डायबिटीज़ बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और इम्यूनो सप्रेशन दवा गोली चालू है, या एड्स के पेशेंट है जिनका प्रतिकार शक्ति पहले से काफ़ी कम हो चुका है। ऐसे मरीजों में ये बीमारी पाई जाती थी और साल से 4 या 5 के ऊपर पेशेंट्स हम लोग नहीं ऑपरेशन करते थे। लेकिन अभी जैसे कोरोना का दूसरा जो वेव आया है और वो जैसे वेव अभी ख़त्म होने में, तो हमको काफ़ी पेशेंट ये म्यूकर माइकोसिस के आ रहे हमारे पास में, जो कोरोना के लिए एडमिट थे, जिनको आइदर ऑक्सीजन देना पड़ा था या वेंटिलेशन देना पड़ा था, और डिस्चार्ज होने के बाद में भी उनको दवा गोली चालू थी। और ये पेशेंट जो है, ये पेशेंट है कम उम्र के, 20-22 साल से लगा के 40 के नीचे। पहले जो हम पेशेंट देखते थे वो 50 के ऊपर उम्र में थे, और उनका कुछ ना कुछ जैसे डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, या इम्यूनो सप्रेशन दवा चालू है, इस तरह से उनको प्रॉब्लम होती थी। अभी ये जो पेशेंट फिलहाल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इसकी वजह बहुत काफ़ी इसमें चर्चा हो रही है। इसका कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि जैसे पेशेंट एडमिट होता है उसको काफ़ी मात्रा में स्टीरॉइड दिया जाता है, वो देना भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमको पेशेंट की जान बचानी है। लेकिन पेशेंट घर जाने के बाद में उनका शुगर मॉनिटरिंग नहीं हुआ, उसकी वजह से शुगर बहुत बढ़ गई। जो पेशेंट को पहले डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं था, वो डायबिटिक हो गया और उसको म्यूकर माइकोसिस हो गया। दूसरे कारण जो बताए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो उनको दिया जाता है, तो पाइपलाइन में कुछ वेटनेस है, कुछ फंगस उसमें से आ रहा है, या ह्यूमिडिफायर बॉटल में से आ रहा है, वगैरह वगैरह। एक चीज़ हम ध्यान रखना चाहिए कि ये जो फंगस है नाक में सबके होता है, इट इज़ अ कॉमन साल, हर एक के नाक में मौजूद होता है, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। वो बढ़ कब पाता है? जब प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। और ये फंगस भी सफ़ेद होता है, एक्चुअली काला फंगस ये गलत शब्द है। वो काला इसलिए बोल रहे क्योंकि वो फंगस जो अंदर के बाजू में डिस्ट्रक्शन कर देता है, वो पूरा हिस्सा काला दिखता है, इसके लिए इसको काला फंगस बोला गया है, या म्यूकर माइकोसिस बोला गया है। इट इज़ अ ब्लैक फंगस इन द सेंस द एरिया इज ब्लैक। ये फंगस अंदर फैलना चालू होता है जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है, और सीरम फेरिटिनिन लेवल जो बड़ा है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, और कोरोना की वजह से वैसे भी प्रतिकार शक्ति बहुत कम हो जाती है। और ये सब कारण एक साथ है जिसकी वजह से ये मरीज़ हमको ज़्यादा मात्रा में अभी हम देख रहे हैं। इसमें लक्षण क्या होते हैं? हमको कभी भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे चेहरे पे सूजन है या
सर में दर्द है, नाक के एक बाजू से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है या ब्लड आ रहा है, कभी कभी आँखों की जो ऊपर की पलक है वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती, जिसको टोसिस बोलते हैं, तो वो हमको ध्यान रखना चाहिए। या कभी कभी इसमें ब्रेन की तरफ अगर वो फैलता है तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा कंप्लेंट्स पेशेंट को हो सकते हैं। ये म्यूकोरमाइकोसिस को साइनो नेजल ऑर्बिटल सेरेब्रल इस तरह से इसको बोला गया है। इसके एक ही टाइम को वो नाक में असर करेगा, फैलेगा और आँख के पीछे जाएगा और अंदर आँख खराब करेगा और ब्रेन की तरफ भी जाएगा। कभी कभी पेशेंट को सडन विजन लॉस हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। ये इस वजह से होता है कि ये जो फंगस अंदर बढ़ रहा है तो ये जो कैपिलरीज होते हैं, रक्तवाहिनी जो होते हैं, ब्लड सप्लाई करने वाली नलिका जो होती है उसको वो बंद करता है, और आँखों के लिए जो ब्लड सप्लाई करने वाली मेन रेटाइनल आर्टरी है वो कभी कभी ये फंगस ब्लॉक कर देता है और देर इज़ अ सडन लॉस ऑफ विजन। तो ये जो भी सिम्टम्स हैं ये हमको देखते रहना चाहिए। जो कोविड के पेशेंट है, जो एडमिट थे, अभी डिस्चार्ज होकर घर को आए, उनको रेगुलरली चेकअप करके लेना चाहिए, आँखों के डॉक्टर के तरफ भी जाना चाहिए अगर आँखों की कुछ कंप्लेंट आती है तो, या ENT डॉक्टर से हफ्ते में एक बार चेकअप करते रहना चाहिए। नेजल एंडोस्कोपी करके हमको पता चलता है कि अंदर के बाजू में फंगस बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है। इसमें ज़्यादा चिंता का कारण ये है कि हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं दैट इज़ 25% पार्ट ऑफ इट, सिर्फ 25% काम हम कर रहे हैं, बाकी 75% काम क्या होने वाला है, वो पेशेंट का शुगर कंट्रोल करना, उसका क्रिएटिनिन मॉनिटर करके उसको एम्फोटेरिसिन नाम की जो इंजेक्शन है वो देते रहना। एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की जो मात्रा है वो हम पेशेंट का जो वज़न है, फंगस किस टाइप का कहाँ तक है वो देख के हम तय करते हैं, पर केजी बॉडी वेट उसका डोज होता है। लेकिन उसके लिए किडनी का फंक्शन अच्छा होना ज़रूरी है। अगर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो हम एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन दे नहीं सकते, फिर दूसरे भी उसके लिए ऑप्शंस उपलब्ध है। लेकिन किडनी फंक्शन मॉनिटर करना, ब्लड शुगर मॉनिटर करना, पेशेंट की बाकी की देखभाल करना, ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती है जो पेशेंट को ये म्यूकोरमाइकोसिस की तकलीफ है। अपने सर में, अपने दिमाग में वहम न रखते हुए जब भी थोड़ी भी आपको शंका है एक्सपर्ट कान नाक गले के डॉक्टर से चेकअप करना चाहिए, यही मैं राय दूंगा। फंगल इन्फेक्शन के बारे में काफ़ी लोगों की गलत फहमियाँ भी है, और इसमें होता है कि पोस्ट कोविड के बाद ही फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। जैसा कोविड के बारे में लोगों में गैर समझ हुआ था, वैसा फंगल इन्फेक्शन के बारे में भी काफ़ी ये है, डर बैठा है। कितने परसेंट लोगों में ये आपको पाया गया है पोस्ट कोविड, और कितने पेशेंट के इसमें अपने को कौन सा क्रिटिकल सर्जरी करना पड़ी? म्यूकोरमाइकोसिस के प्रॉब्लम के लिए अगर MRI करने के बाद में पता चलता है कि साइनस के अंदर या आँखों के पीछे के हिस्से में या ब्रेन की तरफ जो भी है चेंजेस हो रहे हैं और म्यूकोरमाइकोसिस का प्रॉब्लम है, तो पहला काम ऑपरेशन करना पड़ता है। यह ऑपरेशन इसलिए करना पड़ता है कि जो भी डेड टिश्यू है, ख़राब हो चुका टिश्यू है, उसका ब्लड सप्लाई बंद हो गया है बिकॉज ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, तो वो डेड टिश्यू हम जब तक नहीं निकालेंगे तब तक वह दवाई नहीं पहुँचेगा। तो पहली स्टेप है ऑपरेशन करना, पूरा डेड टिश्यू निकाल देना, इसको डिब्राइडमेंट बोलते हैं। ये एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करके होता है। कभी कभी पेशेंट को ऊपर के दांत हिलते हैं या सडनली दांत गिर जाते हैं, तो मैक्सिला में अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो ये हिस्सा मैक्सिला का निकालना पड़ता है। जो पेशेंट का प्रॉब्लम है, जो उसके कंप्लेंट्स है, वो हिसाब से ऑपरेशन का कौन सा ऑपरेशन करना है वो तय होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है और इसके लिए ऑपरेशन करना ये पहली स्टेप है, वो करना ही पड़ता है। पोस्ट कोविड के बाद काफ़ी पेशेंट बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में काफ़ी संख्या, जैसा भी 100-200 ऐसा संख्या बढ़ रही है, इतने ENT सर्जन या ऑप्थोलॉजिस्ट, इसमें ज़्यादा ऑप्थोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है या ENT का प्रॉब्लम आ रहा है? ये जो बीमारी है ये हमारे लिए टीम वर्क है, ये कोई अकेले का काम नहीं है। एज एन ENT पर्सन हम लोग जो साइनस के अंदर या आँखों के पिछले हिस्से में इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर, रेट्रो ऑर्बिटल रीजन, जिधर भी वो फंगस फैल रहा है उसको हम निकालेंगे। टेरिकोपाइलेटिन फोसा जो पीछे का हिस्सा होता है मैक्सिलरी साइनस के, वहाँ से वो फंगस ऊपर ब्रेन की तरफ जाता है,
तो जो भी ये हिस्सा है उसके पाथवेज जो हमको पता है किधर किधर से स्प्रेड होता है वो सब हम क्लियर करते हैं। ये ENT सर्जन का एक पार्ट हुआ। आँखों की जो ट्रीटमेंट है वो आँखों के डॉक्टर देखते हैं। कभी कभी पेशेंट की अगर लॉस ऑफ विजन है, वो पेशेंट की नज़र चली गई है, ऑलरेडी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है, तो हमको आँख निकालनी भी पड़ सकती है, उसके बारे में आँखों के डॉक्टर तय करते हैं। अगर मान लो मैगजिला निकालना पड़ा तो वो कभी कभी हम लोग रिकन्स्ट्रक्शन के लिए फेशियोमैगजिलरी सर्जन की भी हेल्प लेते हैं। ICU के जो डॉक्टर है जिनको ऑपरेशन के बाद में वो पेशेंट मैनेज करना है, उनका अहम रोल है। इसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का भी रोल है। सो इट्स अ टीम वर्क। ये अकेले डॉक्टर का या अकेले कोई स्पेशलिटी का काम नहीं है। ये चारों पांचों स्पेशलिटीज़ एक साथ मिलके इसके लिए काम करते हैं और वैसे ही हो रहा है। एज अ सीनियर ENT सर्जन हमारे दर्शकों को ये प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, अगर हुआ भी तो नहीं डरना चाहिए, पहले प्राइमरी स्टेज क्या जाना चाहिए, कौन सा टेस्ट ले करना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताएं। और माइकोसिस का प्रॉब्लम है, इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि नाक से पानी आ रहा है या खून आ रहा है, एक आँख का जो ऊपर का आईलिड है वो बंद नहीं हो रहा है, या कभी कभी दांत में कुछ ऊपर के साइड के दांत जो ढीले लग रहे हैं या गिर रहे हैं, या कुछ भी अड़चन होती है, तालू का ऊपर का हिस्सा कभी कभी काला पड़ जाता है, कुछ भी अपने को कंप्लेंट रही तो पहला काम करना है पेशेंट ने कान नाक गले के डॉक्टर को बताना है, और उसके बाद में ही जांच पड़ताल करना है। खुद होके जाके डायरेक्टली कभी भी कोई भी जांच पड़ताल नहीं करना चाहिए। जो जो जांच पड़ताल ज़रूरी है तो डॉक्टर आपको जैसे बताएंगे वो हिसाब से जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये प्रॉब्लम क्यूरेबल है, इसमें डरने का कोई कारण नहीं है। सिर्फ इसमें एक ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी इसका निदान होना ज़रूरी होता है। जितना हम जल्दी इसको डायग्नोसिस करेंगे उतना हम जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं और आगे के जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसमें बच सकते हैं। इसमें जान को खतरा नहीं है लेकिन इसमें काफ़ी बाकी की चीज़ें हैं। ये कॉस्टली ट्रीटमेंट है, इंजेक्शंस भी काफ़ी कॉस्टली है, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने इसको योजना में शामिल किया है तो काफ़ी गरीब पेशेंट को इस वजह से सहूलियत होने वाली है।